ओम स्वामी जी। हाँ स्वामी जी के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मेरा नाम निरंजन जोशी है, नेपाल से हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना कि आप 5-6 साल पहले नेपाल आया था और एक मंदिर में आपका गया था। हाँ, एक मंदिर में गए थे, मौला काली का मंदिर तो था। बलि प्रथा था, वहाँ बलि देते थे और हम गए तो तब से बलि प्रथा बंद हो गया, तब से आज तक बंद है। बंद है। हाँ, वहाँ के हजारों लोग थे, वहाँ 20-25 हजार लोग, और बलि बंद हो गया। और मुझे 3 साल पहले प्रोस्टेट हुआ था स्वामी जी, और मैंने डॉक्टर को चेकअप किया तो लगभग PSA लेवल 40 से ऊपर तो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। डॉक्टर बोला था कि तुम्हें तो कैंसर होना चाहिए था। तो मैंने आपका वीडियो सर्च किया यूट्यूब में, तो मैंने लौकी का जूस, वृद्धि भाटी का, चंद्र प्रभावती और एक एक घंटा अनुलम विलोम कपाल भाटी किया, तो 1 महीना में PSA लेवल नॉर्मल आ गया। ये बात है, इसलिए बोल रहे थे बाबा जी मुझे कहना नेपाल से आया हूँ। और मुझे बार बार नींद आता था, ऑफिस में भी नींद आता था। अच्छा, बार बार नींद आता। हाँ, तो कभी कभी वो प्रवचन सुनने बाद उस भी टाइम में तो मैंने बादाम रोगन तेल लगा दिया। हाँ, बादाम रोगन डालो, ठीक हो, अभी ठीक हो गया, ठीक हो गया, दिमाग खोपड़ा ठीक हो गया इसका, तो खोपड़ा ठीक हुआ। ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैंने स्वामी जी से 12 साल से जुड़ा हूँ आस्था लाइव, अब मैं फेसबुक पेज पे जुड़ा हूँ। मैंने देख देख करके योग करते हैं। स्वामी जी को औषधि के बारे में मैं सुन सुन कर मैंने उसी से मैंने अपना को मैं औषधि देता हूँ। मेरे बेटी को टॉन्सिल से ऑपरेशन के लिए दुबई हॉस्पिटल ने भी बोला था, वो भी मुझे ठीक कर लिया, ऑपरेशन से बचा लिया, और गिलोई से बचा लिया। और दूसरा मेरा एक बहन था, उसका खांसी होता था, एक साल से खांसी होता था, इसीलिए मैं स्वामी जी के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने विवेकानंद और दयानंद को नहीं देखा, प्रभुपाद को नहीं देखा, हमारे समय में स्वामी जी और आचार्य जी भगवान ने भेजा है, मैं उससे बहुत बहुत खुश हूँ।